हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आवर सेकंड एपिसोड ऑफ द मूड डायरी। और इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द हेनरी डुनांट मेमोरियल मूड कोट कॉम्पिटिशन। सो लेट्स सी, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर। सो रिसेंटली ISIL, दैट इज द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ने रिलीज कर दिया है नोटिफिकेशन अबाउट द 20th हेनरी डुनांट मेमोरियल मूड कोट कॉम्पिटिशन। This is a notification that they have released, और इसमें they have told कि the competition this time will be held online. याद रखिए, last year ये competition नहीं हुआ था, and this is the 20th edition of this competition, and it is one of the most unique and one of the best competitions in the country or maybe even in the world. International moot court competition है, इट इज ऑलवेज ऑन द लॉ ऑफ वॉर। रोम स्टैट्यूट का एक इफेक्ट होता है इसमें, रोम स्टैट्यूट का एक रोल होता है इसमें, वॉर क्राइम के चार्जेस हमेशा होते हैं। ये मस्ट रहता है कि आज तक जितनी भी हेनरी डुनांट की मूव प्रॉब्लम रही है उसमें वॉर क्राइम के इशू रहे ही रहे हैं। द सेम इज इवन दिस ईयर, इस ईयर भी वॉर क्राइम का इशू है। ऑल दो हर साल दे यूज टू ऑल्सो डू दिस थिंग की और भी चार्जेस रहते थे, लाइक इन द 19th एडिशन ऑफ द कॉम्पिटिशन देयर वाज आल्सो चार्जेस ऑफ जेनोसाइड, बट दिस टाइम दे हैव ओनली एंड ओनली स्टिक विथ वॉर क्राइम्स। ऑल्दो क्योंकि वॉर क्राइम के 4 to 5 काउंट्स के चार्जेस लगे हुए हैं, सो वो खुद में एक बहुत बड़ा और वाइड एम्बिट हो जाता है एंड विच मेक्स इट वेरी मच इंटरेस्टिंग। नाउ द कॉम्पिटिशन इज को ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया by ISIL, that is the Indian Society of International Law, and by ICRC. ICRC, that the International Committee on Red Cross, इसकी main organizer है जो पूरे world में इसको organize कराती है with the help of domestic organizers. So ISIL is the Indian organizer and ICRC is the main organizer. Now the competition is scheduled to take place from 21st to 24th of October 2021. The competition is named after Sir Henry Dunant, who was the founder of ICRC, the Red Cross Society, and also one of the first recipients of the Nobel Peace Prize. Competition mein the team can maximum consist of 3 members, aur saath mein ek coach ho sakta hai, ek teacher ho sakta hai, but us coach ko, us teacher ko koi bhi certificate nahi milta hai. So the certificate is only given to the 3 students. मेमोरियल सबमिशन की इनकी डेट है 14th ऑफ अक्टूबर 2021, विच इज वेरी मच लाइक एवरी ईयर व्हाट दे डू इज की जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन की डेट होती है उससे जस्ट 1 वीक बिफोर वो आपके मेमोरियल्स लेते हैं। वन थिंग दैट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज की एवरी ईयर ये कंपल्सरी होता था कि आप मेमोरियल जा करके हार्ड कॉपी में वहां सबमिट करें। सो यू नो यूजली फॉर स्टूडेंट्स जो कि दिल्ली में रेसाइड करें उनके लिए बहुत ईजी होता था, बिकॉज they can on that very day itself, अगर 14th October को submission है supposedly, तो वो 14th October को ही अपनी memorial complete करके print करके जाके submit कर सकते हैं hard copy में by going to ISIL. ISIL is just opposite to the Supreme Court of India. But ये problem हो जाती थी for students जो कि दिल्ली NCR के region से नहीं है, जो बाहर से हैं, because उनको अपने memorials बाई पोस्ट भेजने होते थे, पार्सल करने होते थे, और उसके लिए ये मस्ट हो जाता था कि यार मोस्टली यू हैव टू सेंड इट एटलीस्ट 7 days प्रायर टू द डेट और 10 days प्रायर टू डेट, और वो ऑनलाइन आपका बाई मेल आपके मेमोरियल नहीं लेते थे। हाउएवर दिस ईयर दे हैव मेंशनड इट इन द नोटिफिकेशन दैट द मेमोरियल एंड काउंटर मेमोरियल ऑनलाइन इन द ब्रैकेट, विच मीन्स दैट दे माइट बी टेकिंग दिस ईयर द मेमोरियल्स बाय अ मेल। हाउएवर स्टिल they haven't mentioned any email ID जिसमें आपको memorial भेजना है, so either it can be कि जो email ID पे आप registration कर रहे हो, which is the info@isil@gmail.com, आप तो उसी पे memorial भेजोगे, और they might release a further notification stating कि आपको इस पे memorial देना है, that they might do by clarification or something, but Henry Dunant अपने तरीके का एक बहुत ही यूनिक मूट है, आपको ऐसी मूट दूसरी नहीं मिलेगी इन द एंटायर कंट्री। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस एंड दिस आई एम सेइंग बाय माय ओन नॉलेज, देयर माइट बी सम मूट व्हिच वुड बी वेरी मच सिमिलर टू हेनरी डुनांट, बट आई हैवंट सीन एनी सच मूट येट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट ऑफ 100 to 150 मूट दैट आई हैव सीन माई सेल्फ। हेनरी डुनांट का मूट बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे यूनिकनेस है क्या,
आपको हर एक राउंड में दोनों साइड से प्लीड करना होता है. नाउ व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? हर एक मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में जो ट्रेडिशनल मूट्स होते हैं उनमें होता है कि इन द प्रिलिमिनरी राउंड यू हैव टू आर्ग्यू फ्रॉम बोथ द साइड, दैट इज द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस. क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ का मूट है तो प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस आपको दोनों साइड से प्लीड करना होता है इन द प्रिल. हेनरी डुनांट में भी सेम है, प्रिलिम्स में आपको दोनों साइड से प्लीड करना है. बट बाकी कॉम्पिटिशन में क्या होता है, व्हेन यू गो टू द क्वार्टर्स और यू गो टू द सेमीज और यू गो टू द फाइनल्स, ड्रॉ ऑफ लॉट होते हैं और आपको और ड्रॉ में आपका अगर प्रोसिक्यूशन निकला तो आप बस और बस प्रोसिक्यूशन से प्लीड करोगे. अगर ड्रॉ ऑफ लॉट में आपका निकला डिफेंस तो आप बस और बस डिफेंस से प्लीड करोगे. बट हेनरी में ऐसा नहीं है. हेनरी में ड्रॉ ऑफ लॉट से आप बस आपका बस ये डिसाइड होता है कि आप पहले कौन से साइड से जाओगे या फिर आप किस टीम के अगेंस्ट कौन से साइड से जाओगे. बट ये कंपलसरी है कि इवन इन क्वार्टर फाइनल्स आप प्रोसिक्यूशन भी प्लीड करोगे, आप डिफेंस भी प्लीड करोगे. इन सेमी फाइनल्स भी आप प्रोसिक्यूशन भी प्लीड करोगे और आप डिफेंस भी प्लीड करोगे. एंड फर्दर इवन इन फाइनल्स आप प्रोसिक्यूशन भी प्लीड करोगे और आप डिफेंस भी प्लीड करोगे. एंड एट द एंड जैसे सपोजिटली फाइनल्स में आपने दोनों साइड से प्लीड किया, जो आपके मार्क्स होंगे उसको टोटल किया जाएगा, उसको डिवाइडेड बाई टू कर दिया जाएगा, मतलब उसका एवरेज निकाला जाएगा. एंड फिर जिस टीम का एवरेज हाईएस्ट होगा वो टीम क्वालिफाई कर, वो टीम जीत जाएगी. द सेम हैपेंस कि क्वार्टर्स में भी और सेमीज में भी आपका एवरेज मार्क्स निकाला जाता है बाई एडिंग योर मार्क्स फ्रॉम बोथ द साइड एंड डिवाइडिंग इट बाई टू, एंड द टीम्स विद हाईएस्ट मार्क्स क्वालिफाई फॉर. इसमें प्रिलिम्स में और क्वार्टर फाइनल्स में, अच्छा यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स इट इज मेंशनड एज क्वार्टर फाइनल्स बट इन अ वे इट्स अ प्री क्वार्टर फाइनल और मे बी यू कैन से ऑक्टा क्वार्टर फाइनल. प्री क्वार्टर फाइनल वुड बी अ रॉन्ग वर्ड क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स के बाद में डायरेक्टली देयर इज सेमी फाइनल. इट इज एन ऑक्टा क्वार्टर फाइनल क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 16 टीम्स जाती हैं क्वार्टर फाइनल्स में. तो प्रिलिम्स में यूजुअली हेनरी डुनांट में पार्टिसिपेट करती हैं अराउंड 50 टीम्स यूजुअली. The year which I participated in Hendry Dunant in 2019 when I was a semi-finalist missing out by 0.8 marks, we missed out reaching to the finals. So that year there were a total of 54 teams. So Hendry Dunant mein uske around aapko team milengi and there would be every good college from the country. Every good college, whether it be the national law universities, the private law colleges, the central universities, the state university, every good college, you will find it there. There will be students even from LLM jo usme participate kar rahe honge. It's a very unique opportunity, one of the best opportunities. Aapko participate karna hi chahiye. The top two teams, matlab jo dono teams jo finals mein jaati hain, they qualify for the South Asian rounds, jo ki hold hota hai in Dhaka. ढाका में साउथ एशियन राउंड्स होता है. फर्दर ढाका से भी जो टॉप टू टीम्स होती है वो क्वालिफाई करती हैं फॉर द राउंड्स टू एशिया पैसिफिक राउंड्स इन हांगकांग. सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर किसी को भी सीखना है कि इंटरनेशनल लॉ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और उसको एक बार ट्राई करना है, देखना चाहता हूँ कैसे है. नाउ हाउ इट इज वेरी मच एडवांटेजियस, जो हेनरी डुनांट के फॉर्मेट है ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस इसलिए भी है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी. क्रिमिनल लॉ में ये बहुत टफ होता है कि एक बैलेंस मूट प्रॉब्लम बनाई जाए, एक बैलेंस मूट प्रॉब्लम जिसमें प्रोसिक्यूशन साइड से भी बराबर आर्ग्यूमेंट्स हो और डिफेंस साइड से बराबर आर्ग्यूमेंट्स हो. इसीलिए क्योंकि बैलेंस मूट प्रॉब्लम बनाना बहुत टफ है, हेनरी डुनांट क्या करती है कि दोनों साइड से प्लीड करने का चांस देती है. सो दैट वो जो जो लक वाला फैक्टर हो जाता है कि अगर मूट प्रॉब्लम प्रोसिक्यूशन साइड टिल्टेड है पूरी तरीके से और जिसको जिसने प्रोसिक्यूशन की चिट उठा ली उसको लक फैक्टर की वजह से उसको एक एडवांटेज मिल गया है, तो वो लक फैक्टर वाला एडवांटेज ना मिले किसी को. एंड इन दिस वेरी एडवांटेज वेरी यूनिक इट्स अ वेरी गुड फॉर्मेट. दिस टाइम दे आर होल्डिंग इट ऑनलाइन. एवरी प्रीवियस एडिशंस में ये ISIL में होता था. द टॉप टू टीम्स गेट अ ट्रॉफी विच इज विच इज अ रनिंग ट्रॉफी. द विनर गेट्स अ रनिंग ट्रॉफी. विच रनिंग ट्रॉफी का मतलब ये है कि आपको वापस उसको रिटर्न करने होता है और नेक्स्ट ईयर भी वही सेम ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर के विनर को दी जाती है. पर हाँ उसके साथ में दे ऑल्सो गिव यू अ मोमेंटो जो कि आप अपने इंस्टीट्यूट में रख सकते हो. उसके अलावा दे ऑल्सो हैव प्राइजेस ऑफ बेस्ट मेमोरियल, बेस्ट स्पीकर एंड अ बेस्ट रिसर्चर. नाउ हाउ दे डोंट हैव अ रिसर्चर टेस्ट. ओके दे डोंट हैव अ रिसर्चर टेस्ट. जो बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड मिलता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपेंडियम. कि आपका कंपेंडियम कितना हैवी है, उसमें कितने रेलिवेंट चीजें हैं, आपका कितने अच्छे से चीजें साइट की हुई हैं, कितने अच्छे से आपने चीजें निकाली हैं. एंड
जजेस आर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जजेस आपको वहां पे मिलेंगे, वेरी प्रोफेशनल, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बहुत अच्छा मूट है। किसी को भी अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल लॉ, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन दैट यू कैन एवर सी। द मूट प्रॉब्लम एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इज ऑन वॉर क्राइम्स। द मूट प्रॉब्लम दिस टाइम इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम पहले की मूट प्रॉब्लम, क्योंकि इस बार मूट प्रॉब्लम बहुत लेंदी बनाई है, एंड बाई लेंदी आई मीन्स की 14 पेजेस की मूट प्रॉब्लम है, विच मोस्ट ऑफ पीपल वोंट फाइंड इट लेंदी, बट आई एम टेलिंग इट लेंदी कंपेयरिंग टू देयर प्रीवियस एडिशन, क्योंकि इससे पहले जो भी मूट प्रॉब्लम होती थी वो मैक्सिमम होती थी 5 to 6 पेजेस की, तो इस बार 14 पेजेस, विच मीन दे हैव जस्ट गॉन डबल। तो इस वे में एक मूट की मूट प्रॉब्लम इस बार काफी यूनिक है। दे हैव ऑल्सो एडेड अ मैप in the mood problem, and let me share a quick story. तो इससे पहले के एडिशन में कभी भी इनके mood problem में maps नहीं हुआ करते थे, and when we participated it was very important कि हम maps दिखाएं, geographical dimensions दिखाएं to show कि exactly crime कैसे हुआ end of the, इसलिए our team included it in our compendium. हमने अपने compendium में एक proper map design किया था on the basis of जो पहले दो paragraphs थे of the mood problem, that this is the neighboring country, yahan pe sea hai, yahan pe aisa, on the basis of that we prepared a nice map and judges appreciated it. So maybe that would be the reason ki is baar they have taken that extra effort, they have gone with the map as well. And Henry Dunant ka ab ek jo bahut important cheez hai jo agar aap participate kar rahe ho to aapko jo dhyan rakhni chahiye wo hai the oral run. Bahut sare log ye galti karte hain, bahut sari team mein, kyun memorial pe, kyunki memorial aapko just 1 week before the competition submit karna hota hai, लोग मेमोरियल में लगे रह जाते हैं और प्लीडिंग पे ध्यान नहीं दे पाते। अब यहाँ पे टोटल टाइम फॉर अ टीम इज 12 मिनट्स, टोटल टाइम फॉर अ टीम। सो अगर आपका स्पीकर 1 10 मिनट्स ले रहा है, भले उसने बोला हो कि मैं 6 मिनट लूंगा, उसने 10 मिनट प्लीड कर लिया, तो स्पीकर 2 को 2 ही मिनट का टाइम मिलेगा। सो टोटल टाइम फॉर अ टीम इज जस्ट 12 मिनट्स, और 12 मिनट में आपको एटलीस्ट 4 to 5 इश्यूज डील करने हैं, विच इज अ वेरी वेरी टफ टास्क, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आर्गुमेंट्स बहुत टू द पॉइंट हो, बहुत प्रिसाइज हो, आप सारे क्वेश्चंस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो, 1 word आंसर्स आपके पास में रेडी हो, एक लाइन के आंसर्स आपके पास में रेडी हो, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 1 month की प्रिपरेशन लगाएं बिहाइंड द प्लीडिंग्स, तभी आप आगे तक जा पाएंगे इन द कॉम्पिटिशन। फर्दर इट डज नॉट मीन कि आप मेमोरियल पर बिल्कुल काम ना करें, क्योंकि मेमोरियल के मार्क्स एड होते हैं टू योर ओरल मार्क्स, एंड उस पर डिसाइड होता है कि कौन सी टीमें आगे क्वालिफाई कर रही हैं, और मेमोरियल के मार्क्स ऐड होते हैं इन द प्रीलिम्स एंड इन द क्वार्टर फाइनल्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों चीज़ का एक बहुत अच्छा सा बैलेंस बनाएं, आप तैयार करें मेमोरियल, आप ज़्यादा आप मेमोरियल को एक इस तरीके से तैयार करें कि एटलीस्ट आप उसको कंप्लीट कर लें 1 month बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन। सो विच मीन्स मे बी 14 September तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए मेमोरियल अपना फॉर हेनरी डोनाल्ड, एंड आपको प्लीडिंग अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यू शुड डू एज मेनी प्लीडिंग्स एज पॉसिबल, गेट एज मेनी एज पीपल टू टेक योर प्लीडिंग्स एज पॉसिबल, एंड प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चन कि आप ऐसे आंसर करो जो कि एक लाइन में खत्म हो जाए, और फॉलो अप क्वेश्चन बनाए। ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट मूव टू पार्टिसिपेट, 5 out of 5 stars आई विल गिव इट टू इट, बिकॉज इवन द पीपल जो कि वहाँ पे जजेस आते हैं दे आर पीपल जो कि इंटरनेशनल लॉ जानते हैं। So it's not like ki they bring anyone or anything they do is wrong. It's very transparent. It is one of the best moods ever in the country. So that was our review and notification with regard to the Henry Dunant Memorial Moot Court competition. We will keep making more such videos, and we will keep informing about more such moot court competitions. Do like the video, do subscribe to the channel, and please comment करके हमें बताएं if there are any other moot court competition जिसपे आप चाहते हैं कि हम video बनाएं और आपको हम details बताएं. So that was the video for today. Thank you so much.